हेलो गाइस, मैं हूँ अनिकेत और मेरे साथ है विनोद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रामगढ़, तो चलिए चलते हैं। रामगढ़ सातारा डिस्ट्रिक्ट के पाटन तहसील में सड़ा दाड़ोली गांव में है। ये सातारा से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं। अगर आप सातारा से जा रहे हैं तो उमरज होते हुए चापड़ की तरफ से सड़ा दाड़ोली गांव तक पहुँच सकते हैं, और अगर आप कराड़ से जा रहे हैं तो आप पाटन की ओर से जा सकते हैं। हम जा रहे हैं चापड़ की ओर से। रामगढ़ समर्थ रामदास जी ने ध्यान करने के लिए बनाई थी, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भेंट समर्थ रामदास जी से हुई थी। यहाँ पर उन्होंने भगवान श्री राम और दास मारुति की मूर्तियों की स्थापना की थी, और वहाँ पे वे ध्यान लगाते हुए श्री राम जी का नाम जपते थे, इसलिए इस जगह को रामगढ़ कहा जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कुछ सूचनाएं लिखी हैं। यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ मूर्तियां रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समर्थ रामदास जी और छत्रपति शिवाजी महाराज की भेंट को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति संभाजी महाराज के जय। Oh,
यही वो गुफा है, यहाँ पे समर्थ रामदास जी ध्यान करते थे। ये लगभग 20 फीट लंबी है। सामने आप देख सकते हैं बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ पर अंधेरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा। ये सदगुरु जनार्दन महाराज वसंत गढ़कर, इनकी साधन गुफा है। समर्थ रामदास जी को गुरु मानकर वे यहाँ पर ध्यान करते थे और लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए संबोधित करते थे। यहाँ पासी में एक झरना है। ऐसा कहा जाता है कि समर्थ रामदास जी ने अपनी कुबड़ी से जमीन पर घाव करके उस झरने की उत्पत्ति की, इसलिए उस झरने को कुबड़ी तीर्थ कहा जाता है।